नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम हांडवो बनाएंगे। हांडवो गुजराती रेसिपी है। इसे दालों और चावल को भिगोकर बनाया जाता है। पहले से प्लान करना पड़ता है, लेकिन आज हम सूजी का हांडवो बनाएंगे। इसे तुरंत बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा हांडवो बनता है। इसे सुबह नाश्ते में या शाम को स्नैक के रूप में बनाकर परोस सकते हैं। तो आइए सूजी का हांडवो बनाना शुरू करते हैं। सूजी का हांडवो बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को घोलकर बैटर तैयार करेंगे। हमने ये 3/4 कप सूजी ली है, प्याले में डाल लेते हैं। आधा कप बेसन है और आधा कप दही फैट कर ले लिया है। दही को सूजी और बेसन में मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। बैटर में लम्ब्स नहीं होने चाहिए। यह हमने गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लिया। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और ये हमने 2 हरे मिर्च बारीक काट कर लिए हैं। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसमें डालने के लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं। आधा कप गाजर कद्दूकस करके ले लिए, आधा कप बारीक कटा हुआ फूल गोभी और आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून भुने हुए मूंगफली के दाने। इससे हांडवो में बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलने तक मिलाएंगे। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो हम पानी और डालेंगे इसमें, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि बैटर हमें गाढ़ा ही बनाना है, पतला नहीं करना। तो ये हमने गाढ़ा बैटर बना लिया है और सूजी है इसमें तो वो फूलेगी। हम बैटर को 10 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर हम हांडवो बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा बैटर फूलकर तैयार है। अब हम हांडवो बनाएंगे। इसके लिए हम पैन गरम कर लेते हैं और हांडवो के बैटर में हम इनो फ्रूट सॉल्ट मिलाते हैं। ये हमने 3/4 छोटी चम्मच इनो लिया है और मिला देंगे। इसकी जगह आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी लिया जा सकता है। गाढ़ा बैटर है और बैटर दिख रहा है, पफी हो रहा है और इतना बैटर बनाने में हमने आधा कप पानी का यूज किया है। पैन में हम 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है, आधा छोटी चम्मच राई डालेंगे। गैस कम कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 1/4 छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच तिल। मसाले थोड़े से भून गए हैं, गैस एकदम कम कर देंगे और अब हम हांडवो का बैटर डालेंगे इसमें और इसे एक जैसा फैला देंगे। हांडवो को ढककर लो मीडियम गैस पर 10 मिनट पकने देंगे। हांडवो को चेक कर लेते हैं। हांडवो ऊपर से डार्क हो गया है, पिछली साइड हांडवो सिक गया है। हम इसे पलट लेते हैं। तो पलटने के लिए हम बजाय स्पैचुला से, क्योंकि ये इतना बड़ा और मोटा हांडवो है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, थाली हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे पलट देंगे। कितना अच्छा हांडवो सिका है। इसको इधर रख लेते हैं। अब हम दूसरी ओर सेकने के लिए इसमें हम ये तेल बचा हुआ डाल देते हैं और ये थोड़े से तिल, जीरा, सरसों हल्का सा भुनने देते हैं और हम ये थोड़े से करी पत्ता भी डाल देते हैं। पहली साइड भी ये डाले जा सकते हैं। मसाले भुन गए हैं, अब हम हांडवो को इसमें सिकने के लिए रख देते हैं और फिर से हम इसे ढककर पूरे 12 मिनट लो मीडियम गैस पर पकने देंगे। पहले भी हमने हांडवो को 12 मिनट पकाया है। हांडवो को चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से थाली रखेंगे ऊपर और हांडवो को पलट देंगे कि हांडवो दूसरी ओर से भी अच्छा ब्राउन सिककर तैयार हो गया है और इस ओर हमने हांडवो को पूरे 16 मिनट सेका है। हमने पहले थोड़ा सा चेक किया था लेकिन वो हल्का ब्राउन था तो हमने थोड़ा उसे और सेका। हांडवो सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही स्पंजी और पफी हांडवो बना है। ऊपर से क्रंची है और अंदर से सॉफ्ट है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप बैटर बनाएंगे तो बैटर पतला नहीं होना चाहिए
और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, अच्छा गाढ़ा बैटर बनाना है। हांडवों को सेकते समय लो मीडियम गैस पर उसे सेकना है और 10 मिनट के बाद चेक करना है। अगर हांडवो थोड़ा सा कम ब्राउन है नीचे से तो थोड़ा सा उसी फ्लेम में और ज़्यादा सेक लेना है, तो हांडवो को चेक करते हुए सेकना है। आप बहुत अच्छा हांडवो बनाकर तैयार करेंगे तो आप हांडवो बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।